देख लें, जिनको कोई कहीं पूछ नहीं रहा है, कहीं विपक्षियों की बैठक होती है मुख्यमंत्रियों की, तो नीतीश जी का जो स्वभाव रहा है आज पूरा देश तो जाहिर बात है उन पर शक की नज़र से देखेगा ही, और इसीलिए खम्मम में इतनी बड़ी रैली हुई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी को गलती से भी कोई इनवाइट नहीं किया, यही बताता है कि उनकी क्या स्थिति है विरोधी दल में। देखिए, यह सब चाचा भतीजा की जोड़ी की नूरा कुश्ती है। चाचा भतीजा मिलके बिहार का विकास तो करना नहीं है, इसलिए जानबूझ के ये लोग जानबूझकर कभी अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम हिंदुओं के खिलाफ विष्मन करो, कभी जानबूझ के ये लोग किसी मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम सेना के खिलाफ विष्मन करो। महागठबंधन की सरकार गिरने वाली है, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जो सरकार चल रही है वो ठीक ढंग से चल नहीं रही है, नीतीश कुमार का बात नहीं माना जा रहा है, मंत्री उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा में फिर से पलटी मारेंगे। सवाल आज पूछा गया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से, उनका कहना है कि नीतीश कुमार को अब कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि जो बातें निकलकर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अलग हुए तो सिर्फ एक मंशा थी उनके अलग होने की, वो प्रधानमंत्री के चेहरा बनना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने उनको पूछा तक नहीं है, इस तरह की बातें जो है संजय जायसवाल का कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से कोई विपक्ष के नेता ने भाव नहीं दिया, और नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि केसीआर ने जो रैली की है वो रैली उनका अपना रैली था, तो उसमें अखिलेश यादव पहुँचे हुए थे, अरविंद केजरीवाल थे और भी कई विपक्ष के नेता थे, लेकिन नीतीश कुमार को पूछा तक नहीं। किस तरीके से इस सवाल पर संजय जायसवाल ने बयान दिया है, क्या भाजपा में फिर से आ रहे हैं नीतीश कुमार? सुनिए संजय जायसवाल क्या कह रहे हैं। जिनको कोई कहीं पूछ नहीं रहा है, कहीं विपक्षियों की बैठक होती है मुख्यमंत्रियों की, तो नीतीश जी का जो स्वभाव रहा है आज पूरा देश तो जाहिर बात है उन पर शक की नज़र से देखेगा ही, और इसीलिए खम्मम में इतनी बड़ी रैली हुई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी को गलती से भी कोई इनवाइट नहीं किया, यही बताता है कि उनकी क्या स्थिति है विरोधी दल में। अपना रैली था, अपने रैली में अखिलेश जी को भी बुलाया गया, अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया गया, पिनारी विजयन जी को भी बुलाया गया, भगवंत मान जी को भी बुलाया गया, सभी जगहों के मुख्यमंत्री जी आए। लेकिन जिनकी कोई राष्ट्रीय राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं है, और यही कारण है कि देश घूमने के पहले वह अब समाधान यात्रा में निकल गया है, और 2025 तक क्या जो उन्होंने अपने को स्वयं उम्मीदवार अपना मुख्यमंत्रित्व काल बढ़ा लिया है, यही बताता है कि देश की राजनीति में नीतीश जी स्वयं मानते हैं कि वो पूरे तौर पर अप्रासंगिक है। देखिए, यह सब चाचा भतीजा की जोड़ी की नूरा कुश्ती है। चाचा भतीजा मिलके बिहार का विकास तो करना नहीं है, इसलिए जानबूझ के ये लोग जानबूझकर कभी अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम हिंदुओं के खिलाफ विष्मन करो, कभी जानबूझ के ये लोग किसी मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम सेना के खिलाफ विष्मन करो। यह आपस का बात है कि एक जो कबड्डी का होता है ना कि बीच सेंट्रल लाइन पर खड़े रहना कि भाई अगर तुम मेरी बात का गुलामी नहीं करोगे तो उधर चले जाएंगे, भाजपा अपने बल पर आगे चलेगी और हम निश्चित तौर पर 36 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीतेंगे, क्योंकि इस देश का हर एक गरीब, हर एक मध्यम परिवार का व्यक्ति यही देखना चाहता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हों। आपके साथ आएगा तो रखिएगा जदयू को, नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करें। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 36 सीटें जीतेगी। हमने 22 से 17 सीट आ गए थे, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला, इस पे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति से पूर्णतः अप्रासंगिक हो गए हैं, और आज के समय में वह केवल यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछे। नीतीश कुमार जी को अब पूछने वाला न बिहार की राजनीति में कोई है, न देश की राजनीति में। जारी होता है लेकिन शिक्षा मंत्री पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, तेज प्रताप जी कुछ बोलते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या यादव और
राजपूत देखकर भी कार्रवाई होती है क्या वहाँ? चाचा भतीजा की जोड़ी बिहार में कोई विकास की चर्चा नहीं करे, बिहार में कोई रोजगार की चर्चा नहीं करे, बिहार में कोई यह नहीं पूछे कि बगल का हर प्रदेश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में कोई यह नहीं पूछे कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं आ रहे हैं, बिहार में कोई नहीं यह पूछे कि क्यों इतनी हत्याएं हर जिले में हो रही हैं। इनसे बचने के लिए यह दोनों मिल करके साजिश करें, यह दोनों रात में तय करते हैं कि अगला क्या करना है, और दोनों संलिप्त हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। चाचा भतीजा मिल के तय करता है किससे पूछना है, किससे नहीं पूछना है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है। एक सवाल है, हो गया यार, भाजपा में फिर से नीतीश कुमार आएंगे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? कभी नहीं। देखिए, यह सब चाचा भतीजा की जोड़ी की नूरा कुश्ती है। चाचा भतीजा मिलके बिहार का विकास तो करना नहीं है, इसलिए जानबूझ के ये लोग जानबूझकर कभी अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम हिंदुओं के खिलाफ विष्मन करो, कभी जानबूझ के ये लोग किसी मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम सेना के खिलाफ विष्मन करो। यह आपस का बात है कि एक जो कबड्डी का होता है ना कि बीच सेंट्रल लाइन पे खड़े रहना कि भाई अगर तुम मेरी बात का गुलामी नहीं करोगे तो उधर चले जाएंगे। भाजपा अपने बल पर आगे चलेगी और हम निश्चित तौर पर 36 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीतेंगे, क्योंकि इस देश का हर एक गरीब, हर एक मध्यम परिवार का व्यक्ति यही देखना चाहता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हों। आपके साथ आएगा तो रखिएगा जदयू को, नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करें। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 36 सीटें जीतेगी। हमने 22 से 17 सीट आ गए थे, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला, इस पर और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति से पूर्णतः अप्रासंगिक हो गए हैं और आज के समय में वह केवल यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछे। नीतीश कुमार जी को अब पूछने वाला न बिहार की राजनीति में कोई है, न देश की राजनीति में।